राजगढ़ भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक जिला। 1766 में महाराजा गज सिंह ने अपने पुत्र राज सिंह के नाम पर स्थापित किया। ये मध्यस्थ राज का एक मुख्यालय और परमार वंश की शाखा थी। इस पर उमठ राजपूतों का शासन चलता था। दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, वो जो बेल आइकन के बगल में रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है उसे प्रेस करके लिए चैनल को जन्मों जन्मों के लिए अपना बना लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और नॉलेजफुल वीडियो। स्थापना 1956, तहसील राजगढ़, खिचलीपुर, जीरापुर, ब्योरा, पचौर, नरसिंहगढ़ और सारंगपुर आते हैं। पड़ोसी जिलों के साथ सीमा की बात की जाए तो साजापुर, सीहोर और आगर मालवा आते हैं। 2011 के हिसाब से कुल जनसंख्या की बात की जाए तो 1,545,814 है, और 2011 के हिसाब से कुल साक्षरता की बात की जाए तो 61.21% है। कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो 6,153 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है और हल्के लाल रंग की भी मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। इसके साथ ही प्रमुख नदियों की बात की जाए तो पार्वती नेवज नदी और काली सिंध नदी यहीं पर है। पार्वती नदी को पारा नाम से भी जाना जाता है। इस नदी का उद्गम विंध्याचल की पश्चिमी श्रेणियों में होता है। पार्वती नदी मुरैना में बहती हुई चंबल में जाकर गिरती है। सिंचाई परियोजना की बात की जाए तो यहाँ कुंडलिया परियोजना है। इसके साथ ही वन एवं वन्य जीव की बात की जाए तो जिले में 57.197 वर्ग किलोमीटर वन आरक्षित है। राजगढ़ जिले में वनों की बड़ी संख्या में सांभर, चीतल, नीलगाय प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। राज पक्षी दूध राज यहाँ के वनों में देखा जाता है। इसके साथ यहाँ पर नरसिंह अभयारण्य भी पाया जाता है। प्रमुख उद्योग की बात की जाए तो यहाँ पर तांबा अधिक मात्रा में होता है। इसके साथ ही यहाँ की जनजाति की बात की जाए तो यहाँ सौर और सहरिया जनजाति निवास करती है। राजगढ़ जिले में सौर और सहरिया जनजाति ही मुख्य रूप से पाई जाती है। राजगढ़ जिले की बोली की बात की जाए तो यहाँ पर मालवी भाषा बोली जाती है। फैक्ट की बात तो ये है कि राजगढ़ के ब्योरा को राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है। इसके साथ ही नरसिंहगढ़ के किले में गिन्नौरगढ़ के तोते प्रसिद्ध हैं। इसके साथ ही धार्मिक स्थल में मां जलपा मंदिर, ख्योरी महादेव मंदिर, सर्वाधिक रेतीला भाग यहीं पे है। एंड राजगढ़ मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला देश का पहला जिला है। इसके साथ ही ये राजस्थान से लगा हुआ है, इसलिए मध्य प्रदेश का सर्वाधिक रेगिस्तान वाला जिला है। इसके अलावा नरसिंहगढ़ का किला दीवान परस नाम द्वारा बनवाया गया था, पूरा नगर किले में बसा है। इसके साथ ही राजगढ़ किले में खिड़ी खो, जामुन खो, अंधियार खो हैं, इसलिए इसे मालवा का कश्मीर कहा जाता है। यहाँ पर जल्या माता का मंदिर घने जंगलों में बसा हुआ है। इसके साथ ही धरेली पहाड़ी पर पशुपतिनाथ का मंदिर है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने राजगढ़ जिले के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको भी आपके शहर, प्रदेश या डिस्ट्रिक्ट का वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।